हाय दोस्तों, रीड विद नासिक सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 दिनों से लगभग हमने करंट अफेयर का वीडियो नहीं डाला था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई थी जो कि हद से ज्यादा। तो अभी जो थोड़ा सा आराम हुआ है तो हम वीडियो बनाना फिर से शुरू किए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गोरैया दिवस जो है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व गोरैया दिवस जो है कब मनाया गया है, आप लोगों को बताना है कि विश्व गोरैया दिवस जो है कब मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है 20 मार्च को जो है विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। तो चलिए, मार्च महीने में बहुत सारे दिवस मनाए गए हैं जिसको हम बार बार रिपीट भी करवा रहे हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, 5 मार्च को विश्व टेनिस दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, 18 मार्च को विश्व वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है, मतलब भारतीय रुपया का जो है लेन देन होगा, तो इसमें से कौन सा देश का बैंक ने जो है भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका का बैंक ने जो है नामित नेस्ट्रो खाता खोला है, नामित नेस्ट्रो खाता खोला है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़े रणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। अर्जुन रानातुंगा को श्रीलंका खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में कहां पशु चिकित्सा और आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो इस जो क्लासेस का आप लोगों को PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर वहां से पहुंचने में कोई दिक्कत हो, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे रीड विथ नासिक सर, आप सर्च करेंगे तो वहां हमारे चैनल आ जाएंगे और उसमें से बहुत सारे पहले से भी दिया हुआ है PDF का फाइल, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। रीड विद नासिक सर आपको सर्च करना है, कहां टेलीग्राम चैनल पे NASIK नासिक सर आपको सर्च करना है। तो ये हाथ से लिख रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है, तो आप लोग वहां सर्च करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पशु चिकित्सा आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार में हुआ है। कहां पे? हरिद्वार में हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहीं पे है तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाल ही में ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ISSF वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप जो है भोपाल में किया जा रहा है। कहां पे? भोपाल में किया जा रहा है। ISSF का फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? एक बार फिर से देख लीजिए, झरनी योजना पोर्टल जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री रोजगार पंजीकरण के लिए किया है? तो इसका सही उत्तर है झरनी रोजगार पंजीकरण योजना जो है झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं झारखंड के बारे में, और भी कुछ है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड, झारखंड यानी बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बॉम्बे जयश्री को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार यानी संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए व्याख्या इनके बारे में और भी जानते हैं। सरस्वती सम्मान जो है 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। प्रीतिगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। 8वीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। 2023 के मार्कोनी पुरस्कार हरि बालाकृष्णन ने जीता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी को जो है पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो हाल ही में किसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और CEO के रूप में, MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको? ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। BPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जे कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। TCS का CEO कीर्ति वासन को नियुक्त किया गया है। हेनीवेल ने CEO के रूप में विमल कपूर को नियुक्त किया गया है। PFRDA का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त होगा, नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टेम्पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टेम्पेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर टेम्पेन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मुद्रा चलता है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका सही उत्तर है सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। कौन? सर्जियो पेरेज ने। चलिए और भी जानते हैं, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विग्नेश NR बने हैं। उसी तरह से भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर परनेश M बने हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल महाराष्ट्र में है, जिनका घर वहां के बने हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद जो कि बेंगलुरु में का है, तो वहां के बने हैं। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर V प्रणव जो तमिलनाडु के हैं, वहां के बने हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ 2023 SAFF चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? हाल ही में भारत कहाँ
2023 SAFF का चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में करेगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में करेगा। चलिए, SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर है भारत और मालदीव के बीच जो है चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गया क्या गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है असम में शुरू किया गया है। कहाँ पे? असम में शुरू किया गया है। चलिए इनके बारे में और भी जानते हैं असम के बारे में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम के नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। उसके साथ ही असम में एक बहुत बड़ा पार्क है काजीरंगा पार्क, जहां एक सींग का गेंडा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में कहां एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर में किया गया है। कहां पे? श्रीनगर में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन? कार्लोस अल्कराज ने जो है इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा वीडियो अगर आप लोग अभी तक चैनल को हमारे लाइक नहीं किए हैं, यानी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है। आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इन्हीं को, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तो हम इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, हाल ही में जारी आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी तो आप लोग जानते ही होंगे, काबुल है। और अफगानिस्तान जो है अमेरिका से कब छुटकारा लिया था? तो अफगानिस्तान जो है अब अमेरिका से 2021 में 15 अगस्त के दिन जो है अमेरिका से छुटकारा लिया था। अमेरिका से यानी अफगानिस्तान को अपने ऊपर अपने लिए कब्जा कर लिया था। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। और चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक से आप सभी को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।